हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक और शब्द सीखेंगे, अनवांटेड। अनवांटेड का जो हिंदी में अर्थ है वो है असामान्य या फिर गैर मामूली। द थिंग यू वुड नॉट लाइक टू डू, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, द थिंग यू वॉन्ट लाइक टू डू, यानी ऐसी चीज जो आप नहीं करना चाहेंगे यानी असामान्य होगी। जो इसका एक और मतलब इंग्लिश में निकलता है वो है अनअकस्टम्ड या फिर अनयूजुअल। अब यहाँ पर देखते हैं जिसके सिनोनिम है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, सिनोनिम में सिन का मतलब सेम या सिमिलर होता है और निम का मतलब नेम होता है। तो ऐसे नाम जो कि लगभग सिमिलर होते हैं अर्थों में। अब देखिए यहाँ पर इसकी स्पेलिंग डिफरेंट है और इसके जितने भी समानार्थक शब्द हैं सभी की स्पेलिंग डिफरेंट है। तो ये सिचुएशनली भी अलग अलग जगह उपयोग में लाए जाते हैं। अब कैसे, देखिए यदि आप बोलना चाहें कि उस व्यक्ति ने धूम्रपान करना छोड़ दिया है तो कैसे बोलेंगे, ही हैज अबेंडेंट स्मोकिंग। क्या ये सही यूसेज है? नहीं, अबेंडेंट का मतलब कुछ और है, वह है हमेशा के लिए त्याग देना। लेकिन सिगरेट त्यागी है मतलब वापस भी तो पकड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे सही उपयोग करेंगे सिनोनिम का, आप बोलेंगे ही हैज लेफ्ट स्मोकिंग या ही हैज क्विट स्मोकिंग। अब यहाँ पर सिनोनिम में देखिए प्रोडिजियस, एक शब्द ये याद करना है आपको, बिजार, एटिपिकल, क्वियर और कॉन्स्पिकुअस। कैसे बोलेंगे, कॉन्स्पिकुअस। अब इसके विपरीत शब्द देख लेते हैं। एंट का मतलब विरोधी, मैं बता ही चुका हूँ, उल्टा, यानी ये विलोम शब्द होते हैं। अब देखिए जैसे कि अनयूजुअल, यहाँ पर जो अन है इसका मतलब नॉट होता है, तो यानी नहीं। अब ऐसे ही इसका उल्टा क्या होगा, जब ये नहीं है तो हाँ होगा, यानी यूजुअल, कस्टमरी, ऑर्डिनरी और नॉर्मल। जो हमारे कंपिटेटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं वो इन सभी शब्दों को याद कर लेना, आपके एग्जाम में बहुत ही लाभकारी होंगे। अब यहाँ पर इसका एग्जाम्पल समझते हैं। अनवांटेड, बींग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, यानी सामान्य से बाहर निकल गया, असामान्य हो गया। सेंटेंस देखते हैं, एलिजाबेथ वॉज टर्न स्पीचलेस व्हेन हर टीन एज डॉटर गेव हर एन अनवांटेड किस इन पब्लिक। अब इसका हिंदी में अर्थ कैसे निकलता है, एलिजाबेथ देखकर दंग रह गई जब उसकी बेटी ने उसको पब्लिक के सामने एक अजीब तरीके से, अजीबो गरीब तरीके से किस दी। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं अलग सिनोनिम के साथ में, प्रोडिजियस। प्रोडिजियस अब सिचुएशनली अलग हो गया, वेरी लार्ज, बहुत बड़ा, पावरफुल, शक्तिशाली और सरप्राइजिंग, यानी भौचक्का कर देने वाला। अब सेंटेंस देखते हैं इसका, ही सीम टू हैव अ प्रोडिजियस अमाउंट ऑफ एनर्जी, ऐसा लग रहा था कि उसके पास एक अद्भुत मात्रा में शक्ति है या फिर आप ऊर्जा बोल सकते हैं इसको। ही हैड टू टेक प्रोडिजियस क्वांटिटी ऑफ पैरासिटामोल फॉर हिज स्पाइनल पेन, उसे बड़ी मात्रा में पैरासिटामोल लेनी पड़ी उसकी रीढ़ की हड्डी के दर्द में सहायता के लिए। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं बिजार के साथ में, बिजार, कॉन्स्पिकुअसली एंड ग्रॉसली अनकन्वेंशनल और अनयूजुअल, जो असामान्य हो हर स्थिति में। ही वॉज एट ईज विद द बिजार डिस्कशन, क्या मतलब निकला इसका, वह विचित्र चर्चा से निश्चिंत था, यानी कि आराम से बैठा हुआ था। जो ये एट ईज है इसका मतलब होता है आरामदायक स्थिति में होना या आसानी से। तो मुझे उम्मीद है आप ये सारे शब्दों को याद कर लेंगे, अच्छे से समझ में भी आए होंगे। कोई भी दुविधा, अटकल, परेशानी हो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ लेना। कोई भी अन्य शब्द के ऊपर वीडियो चाहते हैं वो भी डिमांड अपनी कर देना, मैं उसकी जरूर पूरा करूंगा आपको वीडियो देकर। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।